जंग पुलिस ने शहरियों के लिए वीजे बनाकर बैरूनी मुल्क भिजवाने वाले गिरोह को पकड़ लिया। दो मुलजिमान से 500 पासपोर्ट बरामद कर लिए गए हैं। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। मुबशर हसन नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। मुबशर, बताइएगा इस कार्रवाई के बारे में मजीद क्या तहकीकात हुई है? आज बिल्कुल, जंग पुलिस ने कोट शाकर के मुकाम पर एक खुफिया कार्रवाई की है, जिसमें दो अफराद को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों अफराद जो है वो एक ग्रोह के अरकान थे और ये शहरियों को गैर कानूनी जाली वीजे बनाकर उनको गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाया करते थे। पुलिस थाना कोट शाकर ने इन मुलजमान से तकरीबन 500 के करीब पासपोर्ट बरामद कर लिए हैं। इनसे जाली वीजे बरामद किए गए हैं और स्टैम्प्स भी जो है वो इन मुलजमान से बरामद की गई है। DPO जंग सरफराज खान विर का ये कहना है कि इन मुलजमान के खिलाफ मजीद भी कार्रवाई जारी है, इंकशाफात की भी तवक्को है और इन मुलजमान को FIA के हवाले किया जाएगा और इनको जो मजीद इंकशाफात होंगे उससे मजीद जो हकायक है वो भी सामने आ सकता है। ये दोनों अफराद जो है वो एक ग्रोह के अरकान थे और ये शहरियों को गैर कानूनी जाली वीजे बनाकर उनको गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाया करते थे। पुलिस थाना कोट शाकर ने इन मुलजमान से तकरीबन 500 के करीब पासपोर्ट बरामद कर लिए हैं। इनसे जाली वीजे बरामद किए गए हैं और स्टैम्प्स भी जो है वो इन मुलजमान से बरामद की गई है। DPO जंग सरफराज खान विर का ये कहना है कि इन मुलजमान के खिलाफ मजीद भी कार्रवाई जारी है, इंकशाफात की भी तवक्को है और इन मुलजमान को FIA के हवाले किया जाएगा और इनको जो मजीद इंकशाफात होंगे उससे मजीद जो हकायक है वो भी सामने आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने।